Hello and welcome to Bio at Fleek. I very very welcome you to lecture 1 of 11th class. आज मैं 11th class का chapter 1 लेने वाला हूँ, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था. तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं. बस एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, एक बार सब्सक्राइब कर लेना. चलो मैं ये भी कहता हूँ कि आप पहले कंटेंट देखो, उसके बाद से आप डिसीजन लो अपना, है ना. अगर आपको पसंद आता है, मेरी एक छोटी सी शुरुआत है ये और नई शुरुआत है और मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा. तो लेट अस गेट स्टार्टेड, ठीक है जी. सो आज हम पढ़ने वाले लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11 चैप्टर 1 है ये, ठीक है जी. तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहूँगा कि आज क्या है कि आप लोग 11th में आए हो जैसे नए नए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस आ जाते हैं जिसका हमें बहुत अच्छे से सामना करना पड़ता है. जो भी आपके प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना. और एक बात मैं और बता दूं, मैं वीडियो कंटिन्यूस रखना चाहता हूं. ये बहुत रॉ आपको लग सकती है, लेकिन मैं आपको इतना इंश्योर करता हूं कंटेंट आपको वेरी वेरी बेस्ट मिलेगा. कोई फालतू के कट्स और एडिटिंग मैस में नहीं करने वाला हूं, जो रहेगा आप लोगों के सामने रहेगा. तो लिविंग वर्ल्ड हम पढ़ने जा रहे हैं. मैं एक बार चेक कर लूँ यार माइक ऑन है. यस माइक ऑन है. तो लेट्स स्टार्ट. तो बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम एक बायोलॉजी से. अभी आपका ये नया सब्जेक्ट है. तो बेसिकली बायोलॉजी, व्हाट इज़ बायोलॉजी, ये लाइफ फॉर्म्स को हमें पढ़ाती है, लिविंग प्रोसेसेस हमें पता लगते हैं और डाइवर्सिटी भी हम इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है जी. पहले वर्ग के अर्ली मैंस अपनी नीड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा कैरेक्टराइज करते थे, क्या हमारे लिए नीडफुल है, क्या नहीं है, क्या हिलता है, क्या नहीं हिलता है. जो हिलता है, जिसके अंदर मोशन है, लोकोमोशन है, दैट इज़ लिविंग. और जो नहीं हिलता है भाई, वो कुछ नहीं है, वो मरा हुआ है, ठीक है जी. प्लांट भी मरे हुए थे उनके लिए. तो पुराने आदमी होते ही ऐसे थे, लाइक उनके पास नहीं थी नॉलेज. अब कुछ टाइम पहले से बहुत ज़्यादा साइंस में एडवांसमेंट होती आ रही है और ये ऐसे होती रहेगी. तो अब हम बेसिक और बायोलॉजी देखते हैं. सिस्टमैटिक्स हम इसमें पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है जी. सिस्टमैटिक बेसिकली क्या है कि एक क्लासिफिकेशन ही है ये भी, है ना जी. लेकिन इसमें क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ज़रूर देखा जाता है. तो पढ़ लेते हैं. सिस्टमैटिक्स एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बहुत डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमन क्लिक्चर. बिगेस्ट स्पिन ऑफ दी स्टडीज फॉर द रिकग्निशन ऑफ शेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्कवरिंग दैट प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर. वही जो मैंने आपको बताया, इवोल्यूशनरी, ठीक है जी. इन अपकमिंग चैप्टर्स यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन. तो हम बहुत सारी वेरियस चीज़ें पढ़ेंगे, हम यूनिट वाइज सब कुछ पढ़ते जाएंगे. ये अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. तो हम आगे चलते हैं. तो यूनिट 1 है कुल. अब आ जाते हैं अपना आगे. तो हम लोग इस दुनिया में बहुत वाइड रेंज देखते हैं लिविंग की. हम पेड़ देखते हैं, हम चिड़िया देखते हैं, हम कुत्ता बिल्ली, वेरियस चीज़ें देखते हैं यार. इवन मैं कहता हूँ हमारे डेली लाइफ में ही बहुत कुछ जुड़ी जाती है. जो लोग मीट कंज्यूम करते हैं वो लोग भी जानते हैं कि जानवर होते हैं, है ना. जो वेजिटेरियन है, हम सब तो भैया पेड़ पत्ती खा ही रहे हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा जो है भाई डाइवर्सिटी है इस दुनिया में, ठीक है. व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, लाइफ है क्या बेसिकली, आप कैसे पता लगाओगे कि एक लिविंग होता क्या है. तो उसके लिए हमारे पास क्या बना दिया गया है जी, कुछ फ़ीचर होते हैं. हर चीज़ के एक फ़ीचर होते हैं, है ना. चाहे आप बेसिक चीज़ ले लो, चाहे आप बड़ी चीज़ ले लो, हर चीज़ का आपको एक फ़ीचर मिलेगा. तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बनाए हैं लिविंग बीइंग्स के, ठीक है जी. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ग्रोथ में बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्रोथ इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से हो सकती है ना. प्लस ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं हमारे पास लिविंग बीइंग के, इसमें या हमारे साइंटिस्टों ने कुछ फीचर ऐसे निकाले जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो कि सिर्फ एक लिविंग बीइंग के पास ही हो सकते हैं. आगे हम उन पर अभी बात करते हैं. तो लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू द केमिकल रिएक्शंस. मेटाबॉलिज्म किसे बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली बोला जाता है जो हमारे अंदर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, जो क्या कराती हैं जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन. डेवलपमेंट कैसे करा दिए जी, ग्रोथ हार्मोन आता है. रिस्पॉन्सिवनेस कैसे करा दिए जी, दिमाग चल रहा है. अडेप्टेशन कैसे करा दिए जी, हमारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है. रिप्रोडक्शन आपको पता है, ये भी बहुत सारे हार्मोनल लोचे से होता है.
तो इन सब चीज़ों को हम मिला दें तो एक लिविंग बींग बनता है। हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया है और अब हम देखेंगे कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ देख लेते हैं। तो अब आप एक चीज़ बताओ, ग्रोथ एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरीके से हो सकती है। अब एनसीईआरटी में एक बहुत घिसा पिटा सा एग्जांपल दे रखा है जिसका जिसमें उसने क्या बोला हुआ है जी, एक माउंटेन है और उसके ऊपर क्या है जी, या सैंड ड्यून्स बोला गया है बेसिकली, जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं लाइक पिरामिड नहीं, जैसे राजस्थान में नहीं होते यार, रेत के टीले पीले समथिंग लाइक दैट। तो वो है, हवा चलती है, मिट्टी यहाँ पड़ी है, वो उड़ उड़ के जा रही है हवा के साथ। तो वो कुछ टाइम में वहाँ पे जाके क्या करेगी, थोड़ा सा चाहे वो माइक्रोमीटर्स बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बढ़ा दिया ना, ग्रोथ हो गई ना, तो एक्सटर्नली हो गई। अब क्या है जी, हम लोग इंटरनली ग्रो करते हैं, एक्सटर्नली के मतलब आप ये मत समझिए कि हमारी हाइट बढ़ रही है तो हम एक्सटर्नली बढ़ रहे हैं, नहीं, हाइट बढ़ना इज एन इंटरनल प्रोसेस। तो डिफरेंस बिटवीन प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ इज दैट प्लांट ग्रोथ कैन अकर थ्रू आउट द लाइफ, वेयर एज इन एनिमल ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन एज। हम लोगों की हाइट एक यार लिमिटेड एज तक बढ़ती है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि भैया 18-19 तक बढ़ गए तो बढ़ गए, नहीं तो फिर छोटे ही रह जाते हैं या लंबे ही रह जाते हैं, है ना, हम कभी छोटे बड़े नहीं होते। लेकिन प्लांट जो है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चलते ही रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, वो सेल डिवीजन से ग्रो हो रहे हैं, हमारे अंदर भी सेल डिवीजन होता है, हम अभी आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है, तो जब के लिए वेट करके रखो। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, ये मैंने आपको बता दिया। तो क्या है जी, ग्रोथ जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है जब वो एक्सटर्नल है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या माना जी, ये हमारे पास ग्रोथ जो आ गया, ये हमारे पास आ गया नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज एज इट कंपनसेट्स फॉर डेथ। अब नए बंदे बनना जरूरी है ना जी, पुराने बंदे मरते रहेंगे तो खत्म ही हो जाएगा ना सब, अगर हम रिप्रोडक्शन करके नए नए मॉडल नहीं निकालेंगे तो भैया पुराना तो समझ रहे हो ना, नई खेती उगाने के लिए पुरानी खेती काटनी पड़ती है, इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। तो अब हम आगे देखते हैं, रिप्रोडक्शन टू टाइप्स की होती है, सेक्सुअल असेक्सुअल। हमें पता है कि सेक्सुअल में टू सेपरेट पेरेंट्स चाहिए, वो भी दो डिफरेंट सेक्सेस के, ठीक है, और गैमीट फ्यूजन इज नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। यूनिपेरेंटल कैन ऑकर थ्रू बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, इसका एक डिटेल लुक आप 11th वालों को मिलेगा जी, अपना 12th में आके, 12th के चैप्टर 1 में, अभी जब मैं 12th का चैप्टर 1 डालूंगा तो उसमें मैं इन चीज़ों पे बहुत डिटेल में बात करूंगा, तो वेट फॉर अ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। एक्सेप्शंस आर स्टेराइल और इनफर्टाइल बींग लाइक म्यूल। म्यूल आपको पता है क्या होता है, खच्चर, जो कि घोड़ा और गधी जो भी हो सकता है, वैसे मेरे हिसाब से गधी होती है और घोड़ा होता है साथ में, एंड देन दे हैव सम क्वालिटी टाइम, आई डोंट नो, है ना। तो वर्कबीज जो कि स्टेराइल होती हैं और हमेशा के लिए हैप्लॉइड रहती हैं, वो डिप्लॉइड नहीं होती, उनका क्रोमोजोम नंबर रहता है जी 16, एंड ये एडवांस इन्फॉर्मेशन है, अभी के लिए नीडेड नहीं है, बस याद रख लो। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, भैया बहुत सी दिक्कतें होती है ना भैया, इंसानों को भी बच्चे नहीं हो पाते, तो क्या वो जीवित नहीं है, किसी को कुछ भी हो जाता है, PCOD हो जाती है, माइक्रो यूट्रस हो जाता है, एनीथिंग कैन हैपन, तो क्या वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग है। तो इसलिए हमने सीधा सीधा बता दिया जी, रिप्रोडक्शन भी हमारे पास है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, कॉन्शियसनेस को अगर हम देखें तो अब आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो कॉन्शियसनेस है पूरे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जितनी भी मतलब हमारा इकोसिस्टम है, वो किसके पास है? ऑब्वियस सी बात है, वो हमारे पास है, हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना। देखो, ह्यूमंस हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस अलॉन्ग विद अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स, मतलब सबके पास सराउंडिंग्स की होती हैं अवेयरनेस, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। अब हम अपने लिए नए नए हेयर स्टाइल चूज करते हैं, इधर उधर से कपड़े लाते हैं, तो ये प्लांट और एनिमल्स तो नहीं कर रहे ना, हम लोग अपने लिए सेल्फ कॉन्शियस हैं, तो ये एक इंसानों का यूनिक फीचर है, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग बींग आर अवेयर ऑफ देयर एनवायरमेंट, दे सेंस देयर सराउंडिंग टू रिस्पॉन्ड दैट।
मैंने बता ही दिया, बाकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपनी सराउंडिंग की तो पता होती है, बट हम इंसान ऐसे हैं जो अपने फैशन पे भी ध्यान दे लेते हैं। एनी चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। उसने क्या चेंज डिटेक्ट करा उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस, और वो उसके लिए जब रिस्पॉन्स दिखाता है कुछ भी मूवमेंट या बिहेवियरल चेंज करके, हम उसको बोलते हैं स्टिमुलाई, है ना। मार्क कर लेते हैं इसे ताकि आप लोगों को पढ़ने में इजी रहे। ये भी हमने पढ़ लिया है, ह्यूमंस के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है अलॉन्ग विद सराउंडिंग्स की अवेयरनेस के साथ, ठीक है जी। तो कॉन्शियसनेस को हमने क्या बोला है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, एक नॉन लिविंग थिंग है, मेरा बेड है जिस पर मैं बैठा हूँ, मेरी टेबल है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, है ये लिविंग नहीं है, इनको मैं फेंकूंगा तो ये खुद को बचाएंगे नहीं, मैं आग लगा दूंगा तो भागेंगे नहीं, है ना। तो इसको हमने एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोला है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मूवमेंटल चेंज करके वो बताए कि मूवमेंट हो रही है जी, तभी हमारे पास लिविंग बताएगा, बिहेवियरल चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे आप देखोगे प्लांट्स जो हैं वो भी अपनी एक कॉन्शियसनेस है उनके पास, छुई मुई का पौधा होता है, उसको छुओ तो वो ऐसे बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो एक NCERT में एक बहुत लंबा सा पैराग्राफ है, उसका सारा मैंने यहाँ लिख दिया है, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब समझ लो, जो प्रॉपर्टीज सेल में है, ठीक है, बहुत सारे सेल मिले, मल्टीपल सेल मिले, क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया, टिश्यू मिले ऑर्गन बना दिया, ऑर्गन मिले ऑर्गन सिस्टम बना दिया, है ना जी। ऑर्गन सिस्टम बन के एक बॉडी बन गई या ह्यूमन बीइंग या कुछ भी बन गया, और सेल भी पीछे से किससे बने हैं, एटम्स से बने हैं। तो अब इसको जब हम ऊपर, जहाँ से ऊपर चलेंगे, ठीक है, तो हम जब ऊपर चलेंगे तो हमें पता लगेगा जो बॉडी फंक्शन कर सकती है पूरा, वो एक ऑर्गन सिस्टम नहीं कर सकता। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी बॉडी का फंक्शन नहीं कर सकता है, सेम इन दैट वे जो ऑर्गन सिस्टम है पूरा वो अकेला ऑर्गन नहीं कर सकता, और ऑर्गन जो कर सकता है वो टिश्यू नहीं कर सकता, टिश्यू जो कर सकता है वो सेल नहीं कर सकता, और जो सेल कर सकता है वो एटम नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात थी, मेटाबॉलिज्म। तो आपको ये याद रखना है, कॉन्शियसनेस को हमने क्या बता दिया है जी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बता दिया है। मेटाबॉलिज्म अगर हम देख लेते हैं तो ये सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल विद इन अ सेल, ठीक है जी, ये मेटाबॉलिज्म है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर कॉजेज मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। हर तरह के ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, सबके अंदर DNA RNA है, दैट इज वॉट बेसिक प्रोटीन, एंड दैट इज रिएक्टिंग विद इन्वायरमेंट, ठीक है जी। मेटाबॉलिज्म इंक्लूड एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, ये हमें बस याद रखना है। इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। आप जो सेल फ्री सिस्टम है हमारा, जो बॉडी में रिएक्शन हो रही है, उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में कर सकते हो। ये टेस्ट ट्यूब नहीं बनी थी ना, भी शायद ही बनी है, आप एक टेस्ट ट्यूब में कर सकते हो, यू नो दैट, है ना। तो उसको अब आप क्या बोलोगे जी, क्या वो एक रिएक्शन जो हो रही है बाहर, अब वो बॉडी के अंदर भी हो रही है और बाहर भी हम उसे कर सकते हैं, तो क्या आप मानते हो कि मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है? बिल्कुल होगा भाई, बाहर जो रिएक्शन हो रही है उसे हम लिविंग रिएक्शन जरूर बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि वो लिविंग में हो रहा है, उसको हमने रेप्लिकेट करा है, है ना। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है यार, नॉर्मल सी बात है कि एक फोटो का फ्रेम मेटाबॉलिज्म नहीं दिखा सकता, राइट। जिसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं वही है सिकंदर, यानी कि लिविंग। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैंट बी accomplished बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन ओनली बी possessed बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी विल लर्न अबाउट इट आफ्टर द बेसिक intro ऑफ बायोलॉजी इन द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इसके बारे में भरपूर जानकारी देंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ओनली कैन हैपन इन डिफाइनिंग फीचर और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर बोला गया है। तो बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड दैट इज सेवरल कंपोनेंट एंड सब कंपोनेंट कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी। बहुत सारे सेल मिलके बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि एक होल बॉडी प्रोसेस होता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। ओके, आई डोंट नो ये कैसे हो गया जी, हम थे यहाँ प्रोटॉन्स और मेरी पेंसिल,
प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एटम्स बनाते हैं, एटम्स से कंपाउंड बनते हैं, यहाँ तक नॉन लिविंग है। आगे कंपाउंड या एटम से ही बनता है सेल, सेल से टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, उससे बन गया ऑर्गेनिज्म। तो जो ये सेल्स है ये भैया ये लिविंग आ गया, इससे ऊपर नॉन लिविंग है। तो सेल्स कैन ओनली ऑकर इन अ लिविंग बींग, दैट इज वाई इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। ठीक है, अब हम आगे डाइवर्सिटी देखेंगे। तो इसमें हमें कुछ ही पॉइंट याद रखने हैं, एनसीईआरटी के डेटा जरूर याद रखने हैं, फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैव बीन साइंटिफिकली नेम्ड एंड क्लासिफाइड। बायोडाइवर्सिटी क्या है, नंबर एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अर्थ। बहुत तरह के जितने हैं उनको बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं हम। वी मोस्टली कॉल एनिमल्स बाय देयर लोकल नेम, सो वी नीड टू स्टैंडर्डाइज नेम्स ऑफ ऑल लिविंग आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली होता क्या है, देखो जब एक प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, हिंदी क्यों लग दिया मैंने, आइडेंटिफिकेशन की स्पेलिंग ये नहीं होती, आई एम वेरी श्योर, आइडेंटिफिकेशन, देन वी गो फॉर इट्स नोमेनक्लेचर, ठीक है, उसके बाद हम उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर अवेलेबल हैं और क्या क्या नहीं हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से हम उसको अपने उसके कॉम्पिटेंट किंगडम विंगडम जिस जहाँ भी डालना होता है डाल देते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे दैट इट विल बी ग्लोबली एक्सेप्टेड, ग्लोबली एक्सेप्टेड होना जरूरी है जी, वो हो गया नॉमेनक्लेचर। अच्छा, बिफोर असाइनिंग एक स्पेसिफिक नेम, यही है आपके घर को आप पूरी दुनिया मान लो, आपके बड़े भाई बहन और आप अलग अलग जानवर हो गए, ठीक है, मम्मी पापा ने बच्चे करे, राइट, उसके बाद से पहले का नाम कुछ और रख दिया, दूसरे का कुछ और रख दिया, तीसरे का कुछ और। अब ऐसा तो नहीं है ना, जिसका पहला मान लो पहला लड़का हुआ दूसरा भी लड़का हुआ तो पहले का भी वही नाम रख दिया, दूसरे का भी वही नाम रख दिया, फौर से पहले का आदि रख दिया, दूसरे का भी आदि रख दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसे ही इन सेम मैनर जो हमारी रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज़ हैं वो भी ये ख्याल रखती हैं कि एक तरह का नाम एक ही तरह को मिले और वह जिस भी पार्ट में जाए वो उस नाम से आइडेंटिफाई हो जाए। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो प्लांट्स हैं हमारे पास, प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो ICBN देता है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजी नोमेनक्लेचर, और एनिमल्स के लिए ICZN देता है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजी नोमेनक्लेचर। सिस्टमैटिक्स अगर हम देखते हैं तो ये जो है सिस्टमा से निकला है बेसिकली, ठीक है, जिसका नाम था सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कार्लोस लेनेनेस थे उन्होंने सिस्टमा नेचुरे बुक लिखी थी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी, और उन्होंने क्या करा था सिस्टमैटिक्स टर्म को दिया था, कितने ईयर में, 1751 में बेसिकली। तो सिस्टमैटिक जो है वो एक ब्रांच है साइंस की जो कि क्या करती है जी, सब सारी स्पीशीज और सारे ऑर्गेनिज्म की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है उसके साथ डील करती है, उन्हें पहचानती है और उन्हें समझाती है, उन्हें नेम भी करती है और एक बोल सकते हो आप क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसको अपनी जगह देती है। इन 1961 सिम्पसन डिफाइंड सिस्टमैटिक एज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोलॉजी। तो बेसिकली कहना चाहता है, ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे पास इस चैप्टर में बायोलॉजी में सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी दो वर्ड यूज हो रहे होंगे, लेकिन सिस्टमैटिक्स विल इंक्लूड दीज थिंग अलॉन्ग विद द मेन कंपोनेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हमें ये जरूर पढ़ना है कि सिस्टमैटिक्स में कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो देखा जाता है, और टैक्सोनॉमी में भी बाकी सारे काम होते हैं आइडेंटिफाई करके उसे अलग अलग करा जाता है, लेकिन बस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में बेसिकली ये प्रोसेस होते हैं, पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, ये एक बताता है भैया करेक्ट नेम थोड़ा सा उसके लिए करते हैं और उसकी पोजीशन पहचानते हैं कि वो कहाँ रखा जाना चाहिए। द मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स आर एग्जामिन्ड फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप है जी क्लासिफिकेशन, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या करते हैं, एक जैसी चीज़ों को एक जगह कर देते हैं जिससे कि वो पढ़ना आसान हो जाता है। दस क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। पहले उनको हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे करते हैं,
लाइक बच्चा दे रहा है सीधा, तो मैमल है, मैमलिया में चला जाएगा एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ हायरार्की ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर ट्रेट्स। तो हम उन्हें एक जगह रख देते हैं, साइंटिफिक अरेंजमेंट कर देते हैं, एक हायरार्की में रखते हैं। हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं वो हायरार्की क्या होती है। तो अभी पहले हम देख लेते हैं जरा से एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या होता है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म इजीली, न्यू ऑर्गेनिज्म इजीली गेट करेक्ट प्लेस इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, इट मेक्स स्टडी ऑफ फॉसिल इजी, इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग इवोल्यूशनरी पैथवेज। हम इवोल्यूशन स्टडी करवाते हैं इसकी वजह से, ठीक है जी। इट बिकम्स ईजी टू नो द फीचर ऑफ होल ग्रुप बाय स्टडिंग वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द ग्रुप, दस बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट टैक्सा, टैक्सा बोल लो या टैक्सॉन बोल लो, बात एक है। नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं ये हम इनका। दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो टेक केयर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज, हम पहले देख चुके हैं ये चीज। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है जो कि इन ऑथोरिटीज की तरफ से दिया गया है, इसमें क्या होता है जी, एक तो हो गया हमारे पास जेनरिक नेम, एक हो गया हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट। आगे वाला जेनरिक नेम होगा, पीछे वाला स्पेसिफिक एपिथेट होगा। अब क्योंकि इसमें दो चीजें हैं तो बाय बाय मतलब टू, नोमियल मतलब नेम, तो बायनोमियल नेम नोमेनक्लेचर हो गया ये। और ये किसने दिया था, कार्लोस लेनेस ने दिया था। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। कॉमन नेम क्या है, जो हम अपने लोकल रीजन में जाते हैं, जैसे हम यहाँ कुत्ते को कुत्ता ही बोलते हैं ना, लेकिन आप अमेरिका जाके बोलोगे जी मुझे एक कुत्ता पालना है, अब वो बोलेगा भाई व्हाट कुत्ता, है ना, क्या है ये। तो इन सेम दैट मैनर लोकल नेम्स जो होते हैं इन एन ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज इन पर्टिकुलर रीजन, ये एक रीजन तक लिमिटेड रहते हैं, ठीक है। और एक ही उसमें कंट्री में इनके कई नाम हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी में कुत्ता बोल देते हैं और आई थिंक मराठी में कुकुर वकुर कुछ ऐसा है सीन, बता सकते हो कमेंट में, किसी को पता है तो। अब साइंटिफिक नेम जो है वो हमें पता है, बायोलॉजिस्ट लेते हैं। और ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म को हर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर देता है कि भाई ये है। तो बस नेमिंग का जो प्रोसेस है वो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है, और ये किसने दिया था, कार्लोस लेनेस ने दिया था। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर अभी हम पीछे देख के आ ही चुके हैं, कार्लोस लेनेस ने बनाया था अपनी बुक फिलोसफिका बॉटनिका में। All scientific name for animals under binomial nomenclature were given by Linnaeus in the 10th edition of his book Systema Naturae. ये सिस्टर ना नहीं होगा, ये सिस्टमा होगा, सिस्टमा नेचुरल। Linnaeus named plant according to binomial nomenclature in his book Species Planetarum. ठीक है जी, plant को उसने name करा Species Planetarum में और animals को उसने name करा Systema Naturae में। ये याद रखना है, binomial nomenclature is the system of providing distinct and appropriate names to organism each consisting of two word। ये भी हम पीछे देख आए हैं, name of genus second specific epithet। फॉर example देख लेते हैं हम लोग एक, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत पुराना चलता आ रहा है Mangifera indica, ठीक है। यहाँ मैंने ये गलती कर दी है, इसको मुझे italics में लिखना चाहिए था, क्योंकि कुछ rules हैं binomial nomenclature के वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो रूल है वो है कि नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, लैटिन भाषा से लिए गए हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। आप कोई भी स्पीशीज इंडिया में ढूंढ लो, जापान में ढूंढ लो, उनका नाम जो रखा जाएगा वो लैटिन से डिराइव करा जाएगा। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट करेगा। तीसरा पॉइंट जो होता है, जब जितने दोनों वर्ड है ना, जब वो हैंड रिटन होते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ Mangifera indica, ठीक है, ये हैंड रिटन लिखने का तरीका है। पहला वर्ड जो होगा इसका स्पेसिफिक एपिथेट का, इट विल बी कैपिटल, और दूसरे वर्ड का जो पहला वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, सेम इन दैट मैनर। और ये यहां लिखा हुआ है तो इसको इटैलिक्स में लिखना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान हूं मैं भी, गलती होती है, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो हम अब इनके बारे में देख लेते हैं, ये कुछ ऑथोरिटीज इसमें गिवन है, ICBN, ICZN, ठीक है। ICBN भी दो हैं, बॉटनिकल और बैक्टेरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। और ये चीज़ें ना रिवीजन करने में बहुत आसान होती हैं, लाइक सब में इंटरनेशनल कोड तो है ही सेम, नोमेनक्लेचर भी है ही सेम, पर ICBN एक बॉटनिकल हो सकता है, एक बैक्टेरियोलॉजिकल हो सकता है, ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, ICVN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, और ICNCP क्या हो सकता है, कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। टैक्सोनॉमी देख लेते हैं,
इसमें मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी भी वही करता है जो सिस्टमैटिक्स करता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमनक्लेचर और उनके स्पेशल मतलब कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, है ना। तो ये भी यही करता है कि टैक्सा या टैक्सॉन में बांट देता है बेसिकली। अब हम आगे देखेंगे कि टैक्सा और टैक्सॉन होता क्या है, तो इसी को हम टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। कार्लोस लिनेनेस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्लोस लिनेनेस जी को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी है वो कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, साइटोलॉजी, डेवलपमेंट प्रोसेस यानी कि एम्ब्रियोलॉजी कि वो कैसे, उसका ओरिजिन कैसे है, एंडोडर्मल है, एक्टोडर्मल है, मीजोडर्मल है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। ये एम्ब्रियो की तीन लेयर होती हैं, आउटर वन विल बी, एक सेकेंड बताता हूँ, आउटर वाली जो रहेगी उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली मीजो और उससे भी अंदर वाली कौन सी हो जाएगी जी, एंडोडर्म। तो ये एक एम्ब्रियो की तीन लेयर होती हैं स्टार्टिंग इनिशियल फेज में, जिससे कि फर्दर आगे डेवलपमेंट होता है। तो अभी आगे इस पर डिटेल में बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजी, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। मॉडर्न टैक्सोनॉमी हमने देख लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी वॉज गिवन बाय जूलियन हक्सले इन 1940। इसने क्या करा था, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ये सब करा था, ठीक है। और इसने ये सारी जो स्टडी करी थी, स्टडीज आर डन ऑन अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ऑल वेरिएशंस, स्टडीज ऑल्सो फोकस्ड ऑन सब स्पीशीज वेराइटीज, है ना। स्पीशीज आर नॉट आइसोलेटेड, दे आर रिलेटेड बाय कॉमन डिसेंट एंड वेरी फ्रॉम देम ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, स्पीशीज इज कंसीडर्ड एज डायनेमिक, ये सब आप पढ़ सकते हो, इतना ज़्यादा ये एनसीईआरटी का है नहीं, ठीक है। नोट्स जो मैंने बनाए हैं कुछ ज़्यादा लेंदी बना दिए। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अगर हम देखते हैं तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें काफ़ी सारे हायरार्की ऑफ स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक टैक्सा या टैक्सोन जो है या एक कैटेगरी जो है वो एक रैंक है। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में होता है सीनियर मोस्ट, उससे फिर जूनियर, उससे जूनियर, तो सेम इन दैट मैनर हमारे पास टैक्सोन बनाए गए हैं। और वो कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, एक ब्लैंक पेज ले लें, हाँ तो ब्लैंक पेज ले लिया हमने। सबसे पहले होता है ऊपर किंगडम, फाइलम या डिवीजन, अच्छा है ना। तो उसके बाद होता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन कम स्पीशीज। अच्छा अब अगर आप देखेंगे इस उसमें ही चार्ट में या एक उसमें, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं या फिर डाउन चलते आते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। कॉमन डिक्रीजेस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जब आप डाउन आते हैं किंगडम से स्पीशीज में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो इंक्रीज करेंगे, और जब आप डाउन टू अप जाते हैं तब आप ये नोटिस करेंगे कि जो स्पीशीज में फीचर बहुत सारे होंगे एक जैसी स्पीशीज में, जैसे कुत्ते सारे एक जैसे होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उनके जीनस पे जाओगे आप तो थोड़ा अलग हो जाएगा। फैमिली में जाओगे तो फैमिली में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फैमिली में तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो बस इसी को हमें जानना था यहाँ पे। उसके बाद हम देख लेते हैं स्पीशीज देख लेते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज स्पीशीज, जॉनरे ने दी थी। स्पीशीज इज कंसीडर्ड एज द लोएस्ट और बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन दैट रिजेंबल वन अदर मोर क्लोजली। ये मैंने आपको बता दिया, ये लोग आपस में रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, कर सकते हैं मतलब, क्योंकि सेम स्पीशी है, करते नहीं है नॉर्मली पर कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीड हो सकती है इनमें, सिंगल स्पीशीज हैं अलग अलग, ठीक है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है। इसके आगे हम देख लेते हैं जीनस, जीनस भी जॉनरे ने दिया था। इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज हैं विच हैज़ मोर कैरेक्टर कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। जो अदर जेनरा होंगे, ठीक है, मतलब इस जेनरा के नीचे जो एक स्पीशी होगी उनमें ज़्यादा फीचर होंगे किसके कंपैरिजन में, अदर जेनरा के, ठीक है। जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, सीधी सीधी बात रखनी, याद रखनी है, जीनस जो है
जीनस में स्पीशीज आती हैं बहुत सारी, जैसे मैंने अभी एक पैटर्न पीछे आपको बताया है, तो आपको ये याद रखना है कि जो स्पीशीज हैं बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड वो जाएंगी जीनस में, और जो बहुत जो जीनस हैं बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड वो जाएंगे फैमिली में, फैमिली एक जैसी जो बंदे जो हैं वो एक ऑर्डर में जाएंगे, एक ऑर्डर क्लास में जाएगा, क्लास फाइलम या डिवीजन में जाएगा, और वो जो डिवीजन है वो किंगडम में जाएगा। ठीक है, किंगडम हम पढ़ते ही हैं, हमें पता है, हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम किंगडम ही पढ़ने वाले हैं। चलते हैं हम आगे, तो हम थे यहाँ फैमिली, फैमिली में जैसा कि लिखा है एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर्ड टू जीनस एंड स्पीशीज, मैंने आपको बताया था, डाउन टू अप जाते हैं तो हमारे पास कम हो जाती हैं सिमिलैरिटीज। ठीक है, अमंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनरा सोलेनम ट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी, ये तीनों सोलेनेसी में रखे जाते हैं। और अमंग एनिमल्स इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज, भाई कुत्ते बिल्ली दिखते तो चार पैरों पर चल रहे हैं यार, मैमल होते हैं। ठीक है, दे आर सेपरेटेड इन टू टू कैटेगरीज, सॉरी टू डिफरेंट फैमिलीज फेलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दो अलग अलग फैमिली हैं, और फैमिली किसके अंदर आती है, ऑर्डर के अंदर, जैसे कि हमारे पास वेरियस वेरियस तरह के यहाँ पे ऑर्डर दिए गए हैं प्रिमाटा एंड ऑल, वो हम मैं आपको एक सिंगल नोट बना के दूंगा, उसमें आपके पास सब अलग से क्लासीफाई करके दे दूंगा मैं, ऑर्डर क्या क्या गिवन है, उस ऑर्डर में क्या आ रहा है और क्या कैसे है। तो हमें सिर्फ अभी इतना जानना है कैटेगरीज लाइक स्पीसीज जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, इन सब में कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर थे। तो जनरली क्या है, ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब इन सब के बेसिस पे ऑर्डर में डाला जाता है, ये इन तीनों से भी हायर कैटेगरी है, और इसमें क्या होता है सिमिलर कैरेक्टर आर लेस, मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, वो डिफरेंट जनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली, ये चीज़ भूल जाओ। क्लास क्लासेज में ऑर्डर आ जाते हैं ऐसे ही, क्लासेज कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड अलॉन्ग विद मैमल्स constitute the next higher category called phylum. All these based on common feature like presence of notochord and dorsal horoneural system are included in phylum Chordata. ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हम ये पूरा जो चैप्टर है ये एनिमल किंगडम में कवर करेंगे, अभी ये बिल्कुल बेसिक हम देख रहे हैं पूरी। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास इस चैप्टर में सारे आता जा रहा है, बेसिक आता जा रहा है, जितना हमें अभी 11th के एनसीईआरटी में पढ़ना है वो सारा बेसिक आता जा रहा है। फाइलम और डिवीजन हमें पता ही है, बस इतना याद रखना दिया किसने था, क्रूवियर और इकलर ने, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हायर देन क्लास एंड लोअर इन रैंक टू किंगडम, ये किंगडम से कम है लेकिन सबसे ऊंची है। ठीक है, फाइलम इज यूज फॉर एनिमल्स, पढ़ा था हमने, वाइल डिवीजन इज कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर प्लांट्स, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लास हैविंग सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल फाइलम कोऑर्डिनेटा ऑफ एनिमल कंटेन फॉलोइंग क्लासेज, एग्जाम्पल फिशेज एम्फीबियंस रेप्टाइल एव्स एंड मैमल्स, कोऑर्डिनेटा में आ रहे हैं ये सब, लेकिन आगे इन सब में भी बहुत फर्क है, ये आगे फिर अपने फर्दर क्लासेस में बटेंगे, फिर ऑर्डर में बटेंगे और फैमिली में बटेंगे और फिर जीनस में बटेंगे और फिर स्पीशीज में बटेंगे, तो ये देखना है। लास्ट आता है हमारे पास किंगडम, ये हाईएस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी है, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि कुछ सेट ऑफ फीचर होते हैं इनके पास, कुछ बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट से अलग करा जाता है, जैसे कि ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम, है ना, एनिमिलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, और ऐसे ही प्लांट के केस में प्लांटे में रखा जाता है। आर एच विटाकर ने 1969 में फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ये हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी इस सब चीज़ों को भूल जाओ और इस चैप्टर पे फोकस करो। टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये कुछ टेक्निक हैं इंफॉर्मेशन को रखने की। ठीक है, एज वेल एज हम इसमें इंसान के अंदर शुरू से एक उत्तेजना रही है अंदर से कि हमें सब जानना है, तो उसी चीज़ के लिए आविष्कार हुआ है टैक्सोनॉमिकल एड्स का। इसमें आप क्या कर सकते हो, वेरियस प्लांट की स्टडी कर सकते हो, एनिमल्स की भी कर सकते हो, अदर ऑर्गेनिज्म की भी कर सकते हो, और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री नोइंग फॉर बायो रिसोर्सेज, अब कॉमन सी बात है ना कि हम नए नए तरह के जानवरों के बारे में जान जाएंगे जो कि हमारा खेती को बेटर कर सकते हैं, है ना, फॉरेस्ट्री को बेटर कर सकते हैं, जो कि प्लांटेशन बढ़ा सकते हैं, इंसेक्ट कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलिनेशन करा सकते हैं, तो हम उनको यूज़ करेंगे, और हम वो कब जान पाएंगे जब हम उनके बारे में रिसर्च करेंगे, यानी कि हम टैक्सोनॉमिकल एड का यूज़ करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल नोइंग देयर हैबिटेट एंड अदर ट्रेट आर एसेंशियल, हमें पता होना चाहिए कि एक एनिमल का कैसा ट्रेट होता है, इसलिए मतलब बेसिकली आप समझ गए हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है जी,
जो कि क्लासिफिकेशन में भी हेल्प कर देती है। हमारे पास कुछ वेरियस टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स को अब हम एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ तो लिया ही है कि प्रोसीजर हैं और टेक्निक हैं जो कि स्टोर या प्रिजर्व करवाती हैं इन्फॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, टैक्सोनॉमिकल एड के अंदर अंदर ही हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, नेमिंग हो जाती है, क्लासिफिकेशन भी हम इसकी मदद से कर पाते हैं क्योंकि ये अल्टीमेटली स्टडी में हेल्प कर रही है। पहला हम देख लेते हैं हर्बेरियम। जो हर्बेरियम है जी हमारे पास, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमन। ठीक, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमन आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। ये हमें बहुत अच्छे से चीज याद रखनी है, ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स एंड देन अरेंज सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हर्बेरियम शीट कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है, उसका जो लेबल होता है उसमें क्या क्या होती है, डेट होता है, प्लेस होता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन बेसिकली, साइंटिफिक नेम होता है, उसकी फैमिली होती है, कलेक्टर्स नेम होता है, ये सब इसमें होता है। बॉटनिकल गार्डन में अगर हम देखें इसमें क्या होता है, लिविंग प्लांट की स्पीशीज को रखा जाता है सीधा सीधा, जो कि ग्रो वहाँ करी जाती है फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस एंड फॉर स्टडिंग देयर ऑल ओवर स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शनल साइकिल एवरीथिंग। ठीक है जी, ईच प्लांट कंटेन लेबल इंडिकेटिंग देयर साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। इसमें इसके लेबल में क्या होगा, साइंटिफिक नेम एंड फैमिली होगी। कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ कहाँ हैं, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि कैलकटा में है, लार्जेस्ट इन इंडिया, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है ये, एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहाँ ये लिखा नहीं है, जो नेशनल है, नेशनल वाला जो हमारा है वो है हमारा लखनऊ में, लखनऊ इंडिया उत्तर प्रदेश। म्यूजियम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो म्यूजियम में क्या है, इसमें हमारे पास वेरियस प्लांट और एनिमल्स के स्पेसिमेन हो सकते हैं दैट आर प्रिजर्व फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्पेसिमेन दैट आर प्रिजर्व फॉर स्टडी एंड रेफरेंस प्लांट और एनिमल के हमारे पास यहाँ पे होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में होंगे, या तो जैसे कि आपने कई सारे स्कूल्स में भी देखा होगा फीटस वगैरह या कुछ भी होता है उसको रखा जाता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन भी रखे होते हैं जानवरों के, उनकी स्टडी के लिए, है ना। ड्राई स्पेसिमेन होगा या तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा होगा, या ड्राई स्पेसिमेन होगा या स्केलेटन होगा, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास उनके स्पेसिमेन होते हैं प्लांट और एनिमल के, डेड होते हैं वो लोग। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में हम क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडिंग द बिहेवियर एंड फूड हैबिट ऑफ द एनिमल्स। ये हमें चीज़ पता है कि वाइल्ड एनिमल्स को जूज में रखा जाता है एक प्रोटेक्टेड और ओरिजिनल एनवायरमेंट बना के, और उनकी स्टडी करी जाती है। बेसिकली ये सारे स्टडी के ही तो पार्ट है ना, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल एड हमने क्यों आविष्कार किया, इसीलिए किया कि की आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, ये क्या है, अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। मैनुअल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया, ये एक गिवन एरिया में वर्क करते हैं। और मोनोग्राफ सिंगल टैक्सोन के बारे में बताएगा हमें, और कैटलॉग का भी कुछ काम ऐसा ही है स्पेसिफिक एरिया वाला। तो हमें ये कुछ टैक्सोनॉमिकल एड याद रखनी है, हमने जितनी इसमें बात करी, तरह तरह के कॉन्सेप्ट हमने इसमें डिस्कस करे, तो हमें यहाँ से समझ आता है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं जो कि हमें फर्दर चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है। दैट इज़ वाई इट इज़ द बेसिक ऑफ 11th-12th बायोलॉजी। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इसको आराम से, इस लेक्चर को अगर आपने देखा है तो वेरी गुड, है ना। अब टाटा बाय बाय, हम चलते हैं। और इस वीडियो को अगर आप को अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ना लाइक करने से क्या होता है, देखो मुझे पता लगेगा। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट डूइंग इट करेक्टली, यू कैन टेल इन कमेंट्स। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए चाहिए। और हाँ, प्लीज़ यार इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम दे रखा है। और ये वाले नोट्स अगर चाहिए तो मेरे को प्लीज़ मैसेज कर देना, मैं अपने आप आपको दे दूँगा। ये है मेरा बायोएड फ्री, आप प्लीज़ इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।